लालू यादव ने लगातार 9वीं बार अपने पास आरजेडी की कमान रख ली है। आरजेडी के स्थापना काल से ही वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और एक बार फिर वे निर्विरोध अध्यक्ष बने। उनके प्रस्तावक में बड़ी बेटी मीसा भारती व उनके दोनों बेटे तेज प्रताप व तेजस्वी समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। उनके फिर से पार्टी की कमान अपने हाथ में रखने के पीछे पॉलिटिकल एक्सपर्ट कई कारण गिनाते हैं। ऐसे में आज हम आपको उन 5 कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से लालू यादव ने फिर से आरजेडी की कमान अपने पास रख ली है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर बात करते हैं लालू स्टाइल की। लालू का देसी स्टाइल आज भी लोगों को पसंद ही नहीं बल्कि खूब पसंद है। दरअसल उनका स्टाइल ही बेहद अनोखा है। लालू का ठेठ बिहारी अंदाज उन्हें सीधे गांव के लोगों से कनेक्ट करता है, लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। उनकी बातें, उनका रहन सहन सब निराले हैं। इन्हीं सब वजहों से गरीब गुरबे उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। यही वजह है कि ढलती उम्र में भी लालू यादव बिहार की राजनीति के शिखर पर बने हुए हैं। उनकी आदतें आम लोगों जैसी हैं। उनकी बोली में गजब की मिठास है। उनके अंदाज, उनके स्टाइल की लोग नकल करते हैं। चाहे बात उनके दातून से मुंह धोने की हो, चाहे बात गाय के दूध दुहने की हो, चाहे बात उनकी हाजिर जवाबी की हो अथवा चाहे बात उनकी गवई अंदाज की हो, वे यह बताने के लिए काफी है कि लालू यादव आज भी कितने सहज और सरल स्वभाव के हैं और इन आदतों की वजह से आम आवाम पर उनकी कितनी पकड़ मजबूत है। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए तेजस्वी ने अघोषित रूप से एक हद तक पार्टी की कमान संभाल ली है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक सांस तब तक आस, और इसी उम्मीद से एक बार फिर से लालू ने अपने पास ही पार्टी की कमान रखी ताकि उनके ठेठ बिहारी अंदाज की वजह से लोग उनसे सीधे कनेक्ट रहे। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है लालू के जनाधार का मामला। बिहार में लालू यादव के जनाधार का कोई जोड़ नहीं। आरजेडी के सबसे बड़ा विरोधी दल बिहार में बीजेपी है। लालू यादव पर विरोधियों ने कई तरह का आरोप भी लगाया। चारा घोटाले के कई मामले सामने आए, इसे लेकर वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। इन सब कारणों से विरोधी उन पर टूट पड़ते हैं। केंद्र में बीजेपी की सत्ता आई तो जांच एजेंसियों का शिकंजा और अधिक कस गया। इसके बाद भी बिहार में न तो आरजेडी का जनाधार घटा और न ही लालू यादव की ही लोकप्रियता में कमी आई। बीजेपी ने यादव समाज से कई नेताओं को प्रोत्साहित किया, लेकिन आरजेडी के आधार वोट बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि तब कहा गया कि नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो इसका फायदा आरजेडी को मिला, लेकिन 2020 के चुनाव में ये भ्रम भी टूट गया, वो भी तब जब लालू यादव भी बाहर नहीं थे। पूरा भार तेजस्वी यादव पर था, लेकिन जब 2020 का रिजल्ट आया तो एक बार फिर आरजेडी विधायकों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। इसके 76 विधायक जीत गए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि अब जब चारा घोटाला के सभी मामलों में लालू यादव को जमानत मिल गई है तो वे चाहते हैं कि एक बार फिर अपने जनाधार को क्यों नहीं रिचार्ज कर दिया जाए। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर कलह की भी एक बड़ा कारण है और लालू यादव नहीं चाहते कि पार्टी के बड़े नेताओं के बीच कलह या अधूरी खटास रहे। दरअसल तेजस्वी यादव अघोषित रूप से पार्टी की कमान संभाल लिए हैं, लेकिन सिग्नेचर पावर आज भी लालू यादव के पास ही है। पिछले कई वर्षों से वे जेल में थे, इसके बाद भी उन्होंने पार्टी की कमान अपने पास ही रखी थी। हालांकि जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी समेत कई अन्य नेता चाहते थे कि तेजस्वी यादव को अब नेशनल टीम की कमान दे देनी चाहिए। इसे लेकर लालू यादव पर भी प्रेशर दिया जा रहा था, लेकिन कहा जाता है कि इसे लेकर कुछ नेताओं में असंतोष की बात आ रही थी। दरअसल लालू यादव आज भी पार्टी की धुरी है। आरजेडी की आज भी लालू से ही पहचान है, इसलिए वे तेजस्वी के हाथों में आरजेडी की अघोषित कमान देने के बाद भी सिग्नेचर वाली पार्टी की असली लगाम अपने हाथों में रखे हुए हैं। गांव-गांव में लोग आज भी आरजेडी मतलब लालू यादव ही समझते हैं। यही वजह है कि आज भी उनके समर्थक पत्र लिखते हैं तो वे लालू के नाम से ही लिखते हैं। ऐसे में पार्टी की सेहत के लिए उन्होंने फिलहाल अपने हाथ में ही पार्टी की कमान रखने का फैसला किया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ऐसा ही मानते हैं। लालू यादव के पार्टी की कमान अपने हाथ में रखे जाने के पीछे के कारणों में पारिवारिक मैटर को भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस लिस्ट में ये 2रे नंबर पर है। दरअसल लालू फैमिली में केवल तेजस्वी ही नहीं है, एक्टिव पॉलिटिक्स में बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल है। बयानों को लेकर तेज प्रताप यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो कभी कभी आपसी मतभेद भी सामने आ जाता है। पारिवारिक मैटर को लेकर कोई भी मुंह नहीं खोलता है। हालांकि तेज प्रताप हमेशा कहते रहे हैं कि मेरा भाई तेजस्वी अर्जुन है और मैं उसके लिए श्री कृष्ण हूँ।
छोटा भाई की राह में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। इसके बाद भी कभी कभी पारिवारिक मतभेद सामने आ ही जाते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उनके बयान से कभी कभी तेजस्वी यादव भी असहज हो जाते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव पार्टी चलाने के लिए कुछ डिसीजन लेते हैं तो तेज प्रताप की इच्छा कुछ और रहती है। खासकर चुनाव के समय तो टिकट को लेकर ये नाराजगी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जगदानंद सिंह के पिछले कार्यकाल में उन्हीं से तेज प्रताप खफा हो गए थे, बयानबाजी भी होने लगी थी। तब लालू यादव ने ही दोनों के बीच मेल मिलाप करवाया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इफ्तार पार्टी में भी यही मतभेद देखने को मिला था। जो सीएम नीतीश कुमार के बगल में पहले तेजस्वी बैठे थे, फिर वे उठे तो उनकी जगह तेज प्रताप बैठ गए और वे अंत तक बैठे रहे। दरअसल लालू यादव अपने बच्चों की महत्वाकांक्षा को जानते हैं। ऐसे में उनकी हमेशा यही चाहत रहती है कि गुड गार्जियन बनकर सभी बच्चों का भला करें। ऐसे में वे नहीं चाहते कि पद को लेकर कोई मतभेद हो। अघोषित रूप से तेजस्वी सब कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन सिग्नेचर वाली कमान अपने पास रख लिए हैं। लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव को फ्री होकर काम करने देना है। दरअसल तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। बीच में लगभग 5 साल तक वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। इसी बीच उन्होंने चुनावी मैनेजमेंट को बेहतरीन ढंग से निभाया। उनकी इस सफल स्ट्रेटजी को पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं, लेकिन टिकट को लेकर कहीं कहीं मामला फंसा भी था। ऐसे में लालू यादव नहीं चाहते कि संगठन विस्तार के चक्कर में तेजस्वी के प्रशासनिक काम में किसी तरह की बाधा पहुंचे। दरअसल तेजस्वी की अभी उम्र ही क्या हुई है, ऐसे में उन्हें अभी से कई मायनों में एक्सपीरियंस की कमी है। वे लालू की तरह गांव-गांव में डंडे नहीं खाए हैं, वे अपने पिता की तरह आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि कई बार उन्हें भाषणों में ये बताना पड़ता है कि वे लालू यादव के बेटे हैं। विरोधी के साथ ही समर्थक भी मानते हैं कि तेजस्वी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे लालू यादव के बेटे हैं। लालू जन नेता है, इस बात को तेजस्वी भी भली भांति जानते हैं और समझते हैं। आज तेजस्वी के पास जो भी ताकत है वो भी लालू यादव की बदौलत ही है। ऐसे में तेजस्वी को जन नेता बनने में अभी समय लगेगा। इसके लिए उन्हें अपने पिता लालू यादव से अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत टिप्स लेने हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कई टिप्स ले रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी बिहार पॉलिटिक्स में बहुत बड़े चाणक्य हैं और इसी चीज को लालू यादव भी समझते हैं। वे भी जानते हैं कि आगे पार्टी तो तेजस्वी को ही चलाना है। यही वजह है कि इस बार भी उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तेजस्वी को नहीं सौंपी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।